स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू लर्न योर मैथ सब्जेक्ट. चैप्टर इज मनी. मनी मीन्स होता है रुपया. जो हमको एक रुपये दो रुपये मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मनी. ओके, वी बाय एंड सेल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विथ द हेल्प ऑफ कॉइन एंड नोट्स. हम अगर कोई अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदते हैं और तो हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? कॉइन्स और नोट्स की. ठीक है, हम उसकी हेल्प से कोई चीज़ दुकान में जा कर के ख़रीदते हैं. जैसे देखिए, कॉइन्स जो हैं ये 50 पैसे का कॉइन है. कितने का? 50 पैसे का कॉइन है. ठीक है, फिर ये नेक्स्ट है 1 रुपये का कॉइन, ये 2 रुपये का कॉइन, ये 5 रुपये का कॉइन और ये 10 रुपये का कॉइन. ओके, अब नोट्स में लुक एट दिस. ये 1 रुपये की नोट है, ये 2 रुपये की नोट है, ये 5 रुपये की नोट है, ये 10 रुपये की है और ये 20 रुपये की है, ये 50 रुपीज़ की, ये 100, 200, 500 and 2000. ठीक है, तो ये हमारे नोट्स हैं और ये हमारे कॉइन हैं. कॉइन में आप देख लो, 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये. नोट्स में 1 रुपये से लेके 2000 रुपये तक की नोट्स हैं. तो ये हमारी हो गई मनी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेप्स. सेप्स हम एक बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ये हमारा स्क्वायर सेप है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल. एक पोएम मैम ने पढ़ाई थी ना आप लोगों को कि मम्मी की रोटी गोल गोल सर्कल, पापा की हैंगी स्क्वायर, हमारे गाँव पे रेक्टेंगल, आलू का समोसा ट्रायंगल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ये जो पिक्चर बनी हुई है स्टूडेंट्स, तो ये सब हमारे शेप्स से ही बनी हुई है. ये जो शेप्स दिए हुए हैं तो इस शेप से ही ये हमारी क्या बनी हुई है? पिक्चर्स बनी हुई है. ये सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये भी 2 ट्रायंगल मिला करके स्टार बना हुआ है. ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारा है कैलेंडर. कैलेंडर में डे ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक. तो हमारे दिनों के नाम हैं यहाँ पे, जो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं. एक सप्ताह में देयर आर 7 डेज इन अ वीक. एक 1 वीक में 7 डेज होते हैं. ओके, सो फर्स्ट डे कौन सा होता है? मंडे. तो आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, तो अगर आता है तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, तो वो आपको करने हैं. ठीक है, मंडे, TUESDAY, ट्यूसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे. हमारा हो गया वेडनेसडे, फिर आ गया हमारा THURSDAY, थर्सडे, FRIDAY, फ्राइडे. और यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, संडे बाद में आता है, सैटरडे पहले आता है. तो सैटरडे SATURDAY, सैटरडे. फिर आएगा हमारा लास्ट में संडे, संडे इज द फंडे. ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे मंथ ऑफ द ईयर. एक साल में कितने मंथ होते हैं? तो देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर.
एक साल में 12 महीने होते हैं, तो फर्स्ट मंथ का नेम क्या होता है? जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी। ओके, सेकेंड मंथ हमारा कौन सा होता है? फेब्री, फेब एफ ई फेब आर यू ए आर वाई, फरवरी, इसको बोलते हैं फेब्री। तो ये हो गया हमारा फरवरी। फिर है हमारा नेक्स्ट थर्ड मंथ, एम ए आर सी एच, मार्च। ओके, देन हमारा से अब हमारा फोर मंथ कौन सा है? ए पी आर आई एल, अप्रैल। कौन सा है? अप्रैल। फिफ्थ मंथ कौन सा है हमारा? एम ए वाई, मे। मे मतलब मई। एंड सिक्स मंथ कौन सा है हमारा? जून। सेवन मंथ, जे यू एल वाई, जुलाई। एंड एट्थ मंथ हमारा कौन सा है? अगस्त, ए यू जी यू एस टी, अगस्त। नाइन्थ मंथ कौन सा है? सेप्टेम्बर, एस ई पी टी ई एम बी ई आर, सॉरी स्पेलिंग इसमें नहीं आई, रिपीट अगेन, एस ई पी सेप टी ई एम बी ई आर, सेप्टेम्बर। फिर है हमारा अक्टूबर, ओ सी ओ टी ओ टू बी ई आर, अक्टूबर। फिर हमारा 11 मंथ, एन ओ वी ई एम बी ई आर, नवंबर। देन लास्ट मंथ हमारा कौन सा स्टूडेंट? दिसंबर। कौन सा है? दिसंबर, डी ई सी डिश एम बी ई आर, दिसंबर। तो हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, जिनके नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो आप बता सकते हो कि एक साल में हमारे 12 मंथ होते हैं, और उनके नाम कौन कौन से हैं, तो आप नाम भी बहुत अच्छे से बता सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मई को मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। डे ऑफ द वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 डे होते हैं। कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, बिकॉज संडे सैटरडे के बाद आता है और यहाँ सैटरडे के पहले दिया हुआ है। ओके, चलिए आप लोग इसको करिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में आएगा।
सो सी यू टुमारो एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.